अस्सलाम वीवर्स, वेलकम टू परवीन्स किचन। उम्मीद होगी आप सब ठीक होगे। आज की रेसिपी मैं लेके आई हूँ कोकनी डिश। वो कोकनी डिश मीठे में है, उसको हम पूरी कहते हैं, जो कोकोनट की बनी हुई पूरी। तो आज हम कोकोनट की पूरी बनाएंगे, बहुत ही खाने में मज़ेदार है। तो चलते हैं हम उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उसके लिए हमने लिया है 3 कोकोनट को ग्रेटेड करके, 2 कप हमने शुगर लिया है, 2 टेबलस्पून हमने देसी घी लिया है, 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। हमारी पूरी की फिलिंग, तो अब हम उसका बेस बताते हैं आपको। बेस के लिए हमने लिया है 3 कप फ्लावर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। फर्स्ट हम फ्लावर को मिक्स करेंगे और 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। फ्लावर डाला है, हम सॉल्ट डालेंगे, हमने ऑयल डाला है, बस उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए इस तरह सॉफ्ट डो हम तैयार करें। अब हम इसको 15 मिनट से 20 मिनट तक रखेंगे, तब तक हम उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। पॉट जो अच्छे से गर्म हुआ है, अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। देखिए घी जो है अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब हम कोकोनट डालेंगे इस तरह, और ये हम शक्कर डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से हम पकाएंगे। कुकर जो है हमारे जल ना जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इस तरह पकना चाहिए, हम इसको कंटिन्यू मिलाते रहेंगे और हम अच्छे से हमारे कोकोनट को पकाएंगे। ये जो पानी पानी आया है उसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सूखेगा। देखिए इस तरह सूखना चाहिए। देखिए अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। हमारी फिलिंग तैयार हुई है। अब हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम उसके पूरियां बनाएंगे। देखिए 20 मिनट हो गए। देखिए इस तरह हम अच्छे से गून लेंगे और थोड़ा डो जो अच्छे से सॉफ्ट हुआ है। अब हम इसके गोलियां बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह हम गोलियां बनाएंगे। मैं सारे इसी तरह गोलियां तैयार करती हूँ। गोलियां बनाए, अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरह हम बेलेंगे। देखिए इस तरह होना चाहिए, न ज़्यादा थिन न ज़्यादा थिक। देखिए मैंने 3 रोटी जो है तैयार की हूँ।
अब मैं उसके अंदर फिलिंग डाल के, किस तरह फिलिंग डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम आधे को पानी लगाएंगे इस तरह, दूसरी तरफ से हम उसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह हम उसको प्रेस करके बंद करेंगे। देखिए ये रेडी हुई हमारी पूरी। देखिए इस तरह पूरी तैयार हुई। अब हम इसको साइड करते हैं, इसी तरह मैं दूसरे भी बनाऊंगी। देखिए तीन जो है मैंने तैयार की हूँ, मैं इनको फ्राई किस तरह करते हैं वो आपको बताती हूँ। तो चलते हैं हम फ्राई करने की तरफ। देखिए हमने एक तरफ ऑयल रखा था गरम करने के लिए, ऑयल जो है अच्छे से गरम हुआ है। इस तरह हम डालेंगे, इस तरह ऑयल को हम उस पूरी के ऊपर डालते रहेंगे। हम उसको टर्न करेंगे और गोल्डन कलर में हम उसको फ्राई करेंगे। तो अच्छे से हमारी पूरी जो है फूल गई है, तो निकालेंगे पूरी को। देखिए इस तरह उसको टर्न करेंगे। देखिए इस तरह हुई हमारी पूरी तैयार। ये भी पूरी हो गई है। इसी तरह मैं सारे पूरी जो है बना के रेडी करूंगी। लीजिए पूरी तैयार है। देखिए इस तरह हम पूरी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस तरह बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी हुई है।